जिस पल का था इंतजार वो पल आ गया है। टाटा हैरियर और टाटा सफारी का 2023 एडिशन के फेस लिफ्टेड मॉडल्स आ गए हैं। इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, इंटीरियर में तो बहुत ही बड़ा चेंज है और जो फीचर्स में आपको कमी लगती थी उसे हटाकर चेंज कर दिया गया है। सुनकर खुशी तो आपको आज बहुत हुई होगी, लेकिन पूरी वीडियो जाने इस पूरी खुशी को डबल करने के लिए आपको काफी हेल्प हो जाएगी। हैरियर से करते हैं शुरुआत, लेकिन आपको बता दूं कि सफारी में भी कुछ वैसे ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हैरियर से सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ADAS का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बहुत महीनों से वेट कर रहे थे, तो उसे ऐड कर दिए गए। रेडार बेस्ड सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी बहुत लोग वेट कर रहे थे कि हैरियर सफारी में कब आएंगे, तो उनका इंतजार हुआ पूरा, बिकॉज टाटा ने आपकी बात सुनी, मन्नत आपकी हुई पूरी, मिल गया आपको 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट में पूरा डार्क क्रोम ग्रिल है, क्योंकि ये डार्क एडिशन है एक तरीके से, और अभी ये जो नौ बाकी कलर्स हैं उनमें ये सारे फीचर्स कब तक आएंगे ये थोड़ा टाइम ही बताएगा। LED डीयरल्स वैसे ही, हेडलैम्प वैसे ही है, फॉग लैम्प वैसे ही है, यहाँ पर लाइट सेटअप में किस तरह को कोई चेंज नहीं है। पेंट स्कीम अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फ्रंट से देखने में ये कम्प्लीटली ब्लैक लगेगी, व्हाइट लाइट ऊपर पड़ती है तो ये ब्लू टोन देती है, तो इसको मैं मिडनाइट ब्लू या मिडनाइट ब्लैक का नाम देना चाहूँगा। अब और कौन से फ़र्क है, लेट मी टेल यू। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो आपको डार्क की बैजिंग जो है वो आप डार्क में नहीं बल्कि रेड में देखने को मिलेगी, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। हमेशा से ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो हर किसी को पसंद आता ही है, और ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन की बात हो ही रही है तो इसके डिस्क ब्रेक्स देखो ज़रा, ब्रेक कैलिपर्स देखो, अगेन ब्लैक एंड रेड, ब्लैक पूरा आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, और साथ में आपको ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो रेड कलर में देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन इसको थोड़ी सी स्पोर्टी नेचर का बना रहे हैं। अगेन हैरियर और चाहे सफारी दोनों में सेम चीज़ें की गई हैं। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, इंटीरियर में तो बहुत सारे चेंजेस हैं, वो आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, एंड बने रहे। हैरियर की रियर साइड में कोई चेंज नहीं है, कैमरा, LED टेल लैंप्स, प्रॉपर इसकी बाकी लाइटिंग, हैरियर की बड़ी सारी बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पूरा डार्क एरिया है भी यहाँ पर, लाइट वैसे थोड़ी सी कम और ये ज़्यादा डार्क को और डार्क बना देती है। लेकिन इंटीरियर में है इसका मेजर चेंज, वो बताने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको चाहिए किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के आपको मिल जाते हैं स्पेयर पार्ट्स woodmo.com से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनकी एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो अभी चेकआउट करें। किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो woodmo वुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। इंटीरियर में जैसे मैंने बताया काफ़ी कुछ चेंज कर दिए गए, सीट्स को कम्प्लीटली रेड कर दिए गए थोड़ी स्पोर्टी फील देने के लिए। क्या आपको ये स्पोर्ट्स फील दे रही है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि बाकी इंटीरियर वैसे का वैसे ही है, ज़्यादातर ब्लैक रखा गया है, अंदर जो सीट्स हैं उसको रेड कर दिया गया, थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग और लेदर पार्ट्स आपको रेड एसेंट्स के साथ नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको रेड मिल जाता है जहाँ से इसका हैंडल है थोड़ा सा। इवन डोर साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कुछ उस तरफ, तो वहाँ पर भी आपको रेड फिनिशिंग प्रोवाइडेड है। लेकिन ये एक अकेला फीचर थोड़ी है जो ऐड किया गया है। हम ना जब भी हैरियर को चलाते हैं हमारी एक कंप्लेंट रहती है, मेरी तो रहती है, कि जो स्क्रीन है वो बहुत लैगी है, जो स्क्रीन है वो आउटडेटेड है, जो स्क्रीन है वो छोटी है। अब वो चीज़ खत्म हो गई, 10.25 इंच, प्रेजेंटिंग यू द एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले न्यू यूजर इंटरफेस 10.25 इंच की टच स्क्रीन। इसका यूजर इंटरफेस जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, मैं इसको थोड़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं इसे चेकआउट कर रहा था, तो उस टाइम पे जो इसका यूजर इंटरफेस है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अब इसका सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है कि ड्राइवर को दिक्कत नहीं आती, उसको चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हालांकि AQI देख रहे हो, ओ माई गॉड, पॉल्यूशन तो कुछ हद ही पार कर रहा है ऑनेस्टली। हालांकि अगर ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें अभी भी पुरानी वाली स्क्रीन लगी हुई है इसके यूज़र इंटरफेस में, जहाँ पर नॉब्स आते थे, अब नॉब्स नहीं आते हैं, नॉब्स को डिसकंटिन्यू करके सारा कुछ टच पैनल में कर दिया गया है। बाकी सेम AC कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर, स्टोरेज सब कुछ मिलेगा। स्टोरेज के अंदर ऑफकोर्स USB पोर्ट्स और 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइडेड है। एक नया बटन ऐड किया गया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नया बटन नज़र आएगा, तो 360 डिग्री कैमरा, ये वाला बटन इसमें ऐड कर दिया गया, बिकॉज ऑफ कोर्स फीचर्स भी ऐड कर दिए गए वो वाले, आपको वो चला के दिखा भी देता हूँ। लेट मी शो यू द 360 डिग्री कैमरा हियर। अब देखो वैसे सेंस तो बन नहीं रही, गाड़ी तो बहुत क्लियरली दिख रही है, बट कैमरे की लेआउट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोटोटाइप, बेटर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर 2D में देखना चाहोगे तो फिर भी आप देख पाओगे, बट बहुत वियर्ड सा एंगल बन रहे हैं इसके, और मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा कोई यूज़फुल रहने वाले हैं। ये फ्रंट के दो दिखा रहा है, ये रियर की दो बैक से गाइड दिखाएगा, 2D में कुछ इस तरीके से आता है, टेल गेट ओपन है तो मैं अभी पिछला नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन पीछे कुछ इस तरीके का इसका व्यू आता है। बट क्वालिटी वाइज इट्स फाइन, बट अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट आई एम श्योर टाटा इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा जब इसे कम्प्लीटली लॉन्च करना चाहेगा। अभी एक्सपो के चक्कर में मुझे लगता है जल्दी जल्दी में इंटरफेस इतना अच्छे से हो नहीं पाया।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसकी प्राइस, वो अभी तक नहीं पता है। जब प्राइस आएगी तो प्रॉपर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे भी शायद डिटेल वीडियो बना देंगे, अभी तो जल्द जल्दी में बनानी पड़ती है, रश ही इतना ऑटो एक्सपो में। क्या आप आ रहे हो ऑटो एक्सपो में? नहीं आ रहे तो आ जाओ, या नहीं आना चाहते तो हमारी वीडियोज देखते रहो, सारा कॉन्टेंट आपको वहीं मिल जाएगा। सफारी हो या हैरियर, दोनों में किसी तरह को कोई चेंज नहीं है, आपको डेफिनेटली दोनों पसंद आएंगी डार्क में, बिकॉज फीचर्स ऐड कर दिए गए। अब बात यह है कि क्या बाकी जो कलर्स हैं या बाकी जो एडिशंस हैं उनमें भी 8S 360 डिग्री कैमरा बेटर टच स्क्रीन आएगी, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आज आ गई है तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मैंने पेश कर दी है। रश काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।